हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पीयूष, योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में क्लास 10th आरबीएससी बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 7 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसमें एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे बेटा। क्वेश्चन 6 में आपको गिवन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। मीन्स जो आपको क्वेश्चन में एंगल गिवन है, उन एंगल को आपको चेंज करके 0 to 45 में आपको क्या करना है, उनको कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट पार्ट ये बना है, साइन 81 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री। तो यहाँ पे जो 81 डिग्री है वो 45 से मोड़ देना है, और 71 है वो भी 45 से के अपने पास मोड़ देना है। तो इन दोनों को कन्वर्ट करके, आप रिड्यूस करके या फिर चेंज करके कन्वर्ट करोगे 0 एंड 45 में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 0 to 45 में इसमें फर्स्ट हो जाएगा साइन 90 में से कौन सी वैल्यू को माइनस करो आप कि अपने पास 81 आ जाए यहाँ पे। तो 90 में से अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 81। तो इसको अपने किस फॉर्म में चेंज कर दिया, साइन 90 माइनस 9 डिग्री प्लस, सिमिलर इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे साइन 90 माइनस 19 डिग्री। 90 में से 19 को अगर माइनस करेंगे तो अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 71। साइन 90 माइनस थीटा आइडेंटिटी अपने पास होती है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो इसी के अकॉर्डिंग अपने पास ये हो जाएगा कोस 9 डिग्री और ये हो जाएगा कोस 19 डिग्री। अब देखो दोनों जो अपने पास वैल्यू आई है एंगल्स की, वो 0 to 45 के बीच की अपने पास वैल्यू है 9 डिग्री और ये अपने क्या अपने पास 19 डिग्री। सेम इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें एंगल गिवन आपको 68 डिग्री और 68 डिग्री। तो इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10 90 माइनस 22 प्लस सेक 90 माइनस 22। अब 10 90 माइनस थीटा की आइडेंटी होती है कोट थीटा, और sec 90 माइनस थीटा की अपने पास आइडेंटिटी होगी यहाँ पे cosec थीटा। 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट एंड sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec। तो अपने पास क्वेश्चन हो जाएगा ये कोट 22 डिग्री प्लस cosec 22 डिग्री, ये क्या आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 अपने को गिवन है, प्रूव करना आपको sin 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos 25 डिग्री। प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसकी जो राइट साइड है उसमें अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है कोस। इधर अपने पास साइन और कोस दोनों हैं, तो इस साइन को चेंज करके अपने को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोस में। तो कोस प्लस कोस, कोस 25 प्लस कोस 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos 25। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले इसकी LHS साइन 65 प्लस कोस 25। साइन 65 को अपन चेंज करके लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25। 90 में से अगर 25 माइनस करेंगे तो अपने पास रिमेनिंग होगा 65 प्लस कोस 25 एज इट इज। यूजिंग साइन 90 माइनस थीटा अपने पास ये कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटी यहाँ पे यूज होगी, कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स है उसकी आइडेंटी जो अपने पास है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो 90 के आगे जो वैल्यू अपने पास थीटा की यहाँ पे वो किसके साथ आ जाएगी, वे कोस के साथ। तो कोस 25 प्लस कोस 25 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos 25। कोस 25 प्लस कोस 25 इज इक्वल टू 2 cos 25। ये क्या करना था अपने को यहाँ पे प्रूफ, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 8 गिवन आपको वो है प्रूफ साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री माइनस कोस 35 डिग्री एंड कोस 55 डिग्री इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों देखो दोनों एंगल सेम है, यहाँ पे 35 डिग्री यहाँ पे 35 डिग्री, यहाँ पे 55 और यहाँ पे भी कितना है 55। लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन यूज हुआ वो यूज हुआ है कोस और यहाँ पे की यूज हुआ है साइन। तो पहले चाहिए तो आप इन दोनों को कोस में कन्वर्ट कर लो, या फिर इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, साइन में। सेम अपने पास टर्म में से सेम को आप माइनस करोगे तो अपने पास आंसर क्या आएगा इसका, 0। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले इसकी अपने यहाँ पे साइन 35 साइन 55 कोस 35 और कोस 55 एज इट इज हो जाएगा अपने पास ये साइन 90 में से 55 को सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो हो जाएगा 35 और साइन 90 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 35। 90 माइनस 55 इज इक्वल टू 35 और 90 माइनस 35 इज इक्वल टू 55। ये दोनों अपने पास आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा आइडेंटिटी होगी यहाँ पे यूज, तो हो जाएगा कोस 55 और यहाँ पे होगा कोस 35। तो कोस 55 कोस 35 में से माइनस करेंगे, कोस 55 कोस 35 इज इक्वल टू क्या बचेगा रिमेनिंग, 0। ये आपको करना था यहाँ पे प्रूफ।
क्वेश्चन नंबर जो 9 इसमें आपको प्रूव करना है वो है कोस 70 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस कोस 59 डिग्री अपॉन में साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये करना है अपने को यहाँ पे प्रूव। तो सबसे पहले इसकी जो एल एच एस है कोस 70 अपॉन साइन 20 प्लस कोस 59 अपॉन साइन 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये इसकी हो गई एल एच एस। अब इन दोनों में से न्यूमेरेटर और डिनोमेटर में से कोई भी एक एंगल को आप क्या करोगे यहाँ पे चेंज करोगे, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को चेंज करोगे, चाहे तो कोस को कन्वर्ट कर लो साइन में या फिर साइन को कन्वर्ट कर लेंगे अपन कोस में। तो यहाँ पे कोस 70 एज इट इज, साइन 20 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ साइन 90 माइनस 70 की फॉर्म में, 90 में से 70 अगर माइनस करेंगे तो एंगल आएगा 20 साइन 90 माइनस 70। सिमिलर कोस 59 एज इट इज साइन 31 को रिप्रेजेंट करेंगे साइन 90 माइनस 59, 90 माइनस 59 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री एज इट इज। वी नो डैट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, तो यहाँ पे तो हो जाएगा कोस 70 और यहाँ पे हो जाएगा कोस 59। न्यूमेरेटर वाला अपने पास कोस 70 वो एज इट इज हो गया, ये अपन में आ गया अपने पास कोस 70 प्लस ये कोस 59 एज इट इज और ये हो जाएगा कोस 59। कोस 59 से कोस 59 को क्या कर दिया कैंसिल आउट, कोस 70 से कोस 70 क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल, तो 1 प्लस 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपने पास आ गया यहाँ पे सेम। 1 प्लस 1 2 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। वी नो डैट साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल अपने पास एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 में उसमें साइन 30 की वैल्यू आपको गिवन है 1/2, यूज करेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो 1/2 का भी क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, बिकॉज साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 देन साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर 1/2। 2 माइनस 8 एज इट इज 1/2 का स्क्वायर होगा अपने पास 1/4, 4 से कैंसिल आउट करेंगे 8 को तो 2 टाइम्स देन 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, आपको प्रूव करना था यहाँ पर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर इसका 9। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो उसमें प्रूव करना है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले जो उसकी एल एच एस अपने पास एल एच एस सोसाइड की हो जाएगी साइन 90 माइनस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा। वी नो डैट आइडेंटिटी होगी अपने पास यहाँ साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा एंड कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये दोनों हो जाएगी इसकी आइडेंटिटी। देन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, बोथ न्यूमेरेटर एंड डिनोमेटर से मल्टीप्लाई बाई कोस थीटा, कोस थीटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे इसके साथ। तो क्या होगा यहाँ पे देखो कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर हो जाएगा न्यूमेरेटर में और साइन के अपॉन में क्या जाएगा यहाँ पे कोस, साइन बाई कोस तो बन जाएगा यहाँ पे 10 और कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर 10 थीटा इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। कोस को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं सेक की फॉर्म में, वी नो डैट कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक, अपने पास जो कोस थीटा की आइडेंटिटी होगी ना वो होगी 1 अपॉन सेक और कोस स्क्वायर की हो जाएगी अपने पास 1 अपॉन सेक स्क्वायर। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा की जगह आपने पुट कर दिया 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया 10 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये आपको क्या करना था प्रूफ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। क्वेश्चन नंबर जो 11 आपके पास गिवन है इसका वो है प्रूव करना है कोस 90 माइनस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में 10 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1। तो इसकी जो एल एच एस है उसमें के अंदर कोस 90 माइनस थीटा की जगह रिप्लेस कर सकते हैं अपन क्या साइन थीटा की आइडेंटिटी होती है अपने पास यहाँ कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड 10 थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कोस, ये दोनों आइडेंटिटी यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। कोस एज इट इज अपने पास हो गया और 10 थीटा की वैल्यू अपने रिप्लेस कर दी यहाँ पे साइन बाई कोस आइडेंटिटी होगी 10 की साइन बाई कोस ये रिप्लेस कर दे यहाँ पे प्लस में कोस 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी अपने पास होती है साइन थीटा और यहाँ पे स्क्वायर है तो साइन के साथ में क्या लग जाएगा स्क्वायर। वी नो डैट कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा देन कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ साइन इंटू कोस एज इट इज
साइन बाई कोस इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा कोस अपॉन साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कैंसिल, कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अपने पास ये कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। वी नो डैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 17.1 की एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। तो यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा क्या 1। ये आपको क्या करना था, प्रूव एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में प्रूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 में, टेन 90 माइनस थीटा इंटू को थीटा अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो इसकी जो एल एच एस अपने पास वो 10 90 माइनस थीटा इंटू को थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वी नो डैट 10 90 माइनस थीटा आइडेंटिटी होगी अपने पास, 10 90 माइनस थीटा आइडेंटिटी होगी को थीटा। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया इसके प्लेस पे को थीटा, इंटू में अपने पास है यहाँ को थीटा और अपॉन में अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोट को कोट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वी नो डैट को थीटा इज इक्वल टू कोस अपॉन साइन एंड कोसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन। कोट स्क्वायर थीटा की जगह रिप्लेस कर दिया अपन ने कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोट थीटा की आइडेंटिटी कोस अपॉन साइन, यहाँ पे स्क्वायर होगा तो दोनों के साथ भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर होगा तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो कोट स्क्वायर इसका रिप्लेस किया कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर इसका रिप्लेस कर दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, ऊपर वाले जो अपने पास फ्रैक्शन है इसका डिनोमेटर से अपने पास ये डिनोमेटर क्या हो गया कैंसिल, रिमेनिंग आएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये क्या करना था यहाँ पे प्रूव एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये यहाँ पे प्रूव करना था अपने पास कि इसके जो राइट साइड है वो किसके इक्वल होनी चाहिए जीरो के इक्वल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर इसका 12। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करेंगे।